दोस्तों जब भी आप अपने फोन के सेटिंग में जाते हो तो वहां पे गूगल नाम की एक सेटिंग देखने को मिलती है, वो सभी स्मार्टफोन में होती है। अगर आप चेक करोगे तो आपके भी फोन में होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है आखिर वो सेटिंग क्यों दिया रहता है, किस काम में आता है? इस वीडियो में गाइस मैं आपको उसी सेटिंग के 4 सीक्रेट फीचर बताने वाला हूं। मतलब कि अगर आप अपने फोन में गूगल यूज करते हो या फिर इंटरनेट चलाते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा काम भी आने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहना। सो गाइस आइए मैं आपको गूगल सेटिंग के 4 सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। तो सबसे पहले सेटिंग में आ जाते हैं एंड यहां पे दोस्तों देख सकते हो कुछ इस टाइप की सभी के फोन में गूगल सेटिंग होती है एंड गूगल का यहां पे लोगो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन गूगल सेटिंग जरूर होगी। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते गाइस ऊपर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा एंड यहां पे नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों आपको ये जो सेटिंग फॉर गूगल एप्स होगा इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहां पे दोस्तों आपको आ जाना है सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस में। अब यहां पे जनरल में आ जाओ। अब यहां पे दोस्तों जो हमारे मेन सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाती है। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूं जिसे आपको ध्यान से देखना है एंड अपने फोन में जरूर करना है। सबसे पहली जो सेटिंग है गाइस वो यहां पे हमें देखने को मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हो सेफ सर्च। जहां दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर जब आप क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी गूगल के ब्राउजर में यूट्यूब पे हो गया या फिर कहीं पे भी कुछ सर्च करते हो तो वहां पे कई सारी मतलब कि बोल सकते हो एडल्ट कंटेंट या फिर 18 प्लस वाली चीजें आ जाती हैं, मतलब कि गंदी फोटोज वीडियोज आ जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों मतलब कि अगर आप पब्लिकली करोगे किसी के सामने करोगे तो यार कितना बेकार लगेगा ना। तो इसलिए दोस्तों ये सेफ सर्च दिया होता है तो इसे सिंपली आप ऑन कर दो। इसे जैसे ही आप ऑन कर दोगे ना गाइस ये सारी की सारी जो चीजें हैं इमेजेस वीडियोस एंड जो साइट्स हैं ये सब दोस्तों ब्लॉक हो जाएंगी। आप गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसे आपको ना ही कोई मतलब कि बोल सकते हो फालतू की चीजें दिखाई देंगी ना ही कुछ, जो आप सर्च करोगे बस वही चीजें आएंगी एंड बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि कोई भी गलत चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना गलत इमेजेस होंगी ना वीडियोस होंगी ना कुछ होगा। तो ये काफी सेफ है तो इसे जरूर ऑन कर लेना एंड ये गूगल की ही सेटिंग है तो इसमें कोई खतरा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको सेकेंड सेटिंग बता देता हूं जो यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है, वो है डाटा सेवर। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा जब क्रोम ब्राउजर यूट्यूब या फिर प्ले स्टोर जो भी आप यूज करते हो तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन का जो इंटरनेट होता है वो कितना तेजी से खत्म होता है। तो इसी वजह से गूगल अपना खुद का एक डाटा सेवर देता है। अगर दोस्तों आप अपने फोन का जो डाटा सेवर ऑन करोगे तो उससे मतलब कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाइस इसे अगर आप ऑन कर दोगे ना तो गूगल खुद आपके जो इंटरनेट होता है उसे मैनेज करेगा, कम से कम यूज करेगा ताकि आपका जो इंटरनेट होता है वो बहुत ज्यादा सेफ हो एंड लंबे समय तक आप अपने फोन का जो इंटरनेट है उसे यूज कर पाओ। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये डाटा सेवर यहां पे क्यों दिया होता है। अब दोस्तों मैं आपको नंबर 3 की सेटिंग बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो है दोस्तों ऑटो प्ले वीडियो प्रीव्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये क्या है, कई बार दोस्तों अगर आप कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी विजिट कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक वीडियोस प्ले हो जाती है, ऐड आता है एंड ऑटोमेटिक वो वीडियो प्ले हो जाती है। ऐसे में दोस्तों आपने देखा होगा आपका जो इंटरनेट होता है वो कितना यूज हो जाता है, मतलब कि भाई आपने क्लिक भी नहीं किया फिर भी वीडियो चलने लगी एंड वीडियो चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो यूज हो रहा है, मतलब कि फालतू में यूज हो रहा है। तो उस चीज को आपको बंद करना है। उसे बंद करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो दोस्तों आपका पहले इसके ऊपर होगा ऑन वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, तो आप ओनली ऑन वाईफाई कर दो। मैंने इसे पहले से ही कर रखा है ताकि जो मेरा इंटरनेट है वो कम से कम खर्च हो, तो इसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको भी इसे कर देना है। अगर आप वाईफाई पे भी नहीं चाहते तो आप इसे नेवर पे कर दो। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक कोई भी वीडियो आपके फोन में नहीं प्ले होगी। तो ये काफी सही सेटिंग हो जाता है आप सभी के लिए, तो इसे जरूर से जरूर आप कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ 4th नंबर की। वो हमें कहां मिलेगी, उसके लिए आपको बैक आना है। यहां पे आप देख लीजिए एक बार और एंड यहां पे
अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो नंबर वन की सेटिंग होती है एड, यहाँ पे आप देख लीजिए एड्स, एंड हम सभी को हर एक एप्लीकेशन में गूगल के एड देखने को मिल जाते हैं, एप्लीकेशन ही नहीं वेबसाइट्स एंड हर जगह। तो आपने दोस्तों वहाँ पे देखा होगा जो हम चीज़ें सर्च करते हैं या फिर जो जी चीज़ें देखते हैं उन सभी चीज़ों की एड आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि यार लोग हमें ट्रैक कर लेते हैं एंड वही चीज़ें हमें दिखाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बंद करना है, उसे बंद करने के लिए सिंपली आप इसे बंद कर दो। इसे बंद करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी ऐसी ऐड नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कि आपको ऐड तो देखने को मिलेगा लेकिन मतलब आप समझ सकते हो ना गाइस, जो आप सर्च करोगे जो भी चीज़ें आप देखोगे उससे रिलेटेड नहीं होंगी। कई बार क्या होता है अगर आप कोई ऐसे वैसे वीडियोस देख लेते हो तो भैया उसी से रिलेटेड गंदे गंदे ऐड आने शुरू हो जाते हैं, है ना, मतलब कि बहुत बेकार लगता है फिर। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये सारी की सारी जो सेटिंग मैंने बताई इसे बंद कर दोगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे एंड कोई भी गलत ऐड वगैरह नहीं आएंगे आपको। होप गाइस आपको ये सारी की सारी जो सेटिंग्स है समझ में आ गई होंगी। इसका और भी बहुत ज्यादा यूज है गाइस, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस ये चार सेटिंग जरूर आप ध्यान से अपने फोन में कर लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाती है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।